कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहा बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, कास्ट आयरन के भाव, चार सी सीआरसी कॉइल, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कामकाज हुआ। लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद कल बाजारों में कुछ हरियाली देखने के लिए मिली और बाजार एमएस इंगट का 300 रुपए पर टन की तेजी के साथ 42,300 रुपए होता हुआ नजर आया। जैसे कि मॉर्निंग सेशन में हम हमेशा आप लोगों को बताया भी हुआ है, आप भी अगर मॉर्निंग सेशन आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 9:30 का हमारा मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ के मार्केट खुलने से पहले मार्केट के ट्रेंड और लेवल को आप समझ सकते हैं, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाके आप ज्वाइन होइए। चलिए बात करेंगे, एमएस स्क्रैप का बाजार 31,300 रुपए हो गया, इसमें भी 31,000 का सपोर्ट लेते हुए 31,300 रुपए पर टन के बढ़ के कामकाज होता हुआ नजर आया। एमएस इंगट वर्ल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करी जाए तो 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन का टोका का बाजार 36,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 37,500 रुपए रहा। एचआरसी सीआरसी क्वाइल में अगर बात करेंगे, लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार 54,400 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,400 रुपए रहा, जबकि गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 56,500 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 52,700 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,700 रुपए, कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, बाजारों में इस समय जो लेवल है फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा बिक्री करने की जो मिल वाले हैं इच्छुक नहीं है, भाव पड़ते हुए नहीं आ रहे हैं, नीचे से पाइपलाइन खाली है। बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी और आपने देखा वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई आपने आपको बाजारों में नजर आई है। इसी तरीके से अगर 42,000 रुपए के ऊपर इंगट सस्टेन रहता है तो यहां से बाजारों में आपको और भी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी और 20 तारीख तक और भी बाजारों में यहां से 300-400 रुपए की और भी पर टन की आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोग इसको फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर इसी तरीके का कंटेंट आप रोजाना आप जानना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया होगा, ज्वाइन आप ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि इसी तरीके कंटेंट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आप बात करेंगे किस तरीके से रायपुर एचबी वायर में कामकाज हुआ। रायपुर एचबी वायर का बाजार 44,600 रुपए हो गया, जीआई वायर का बाजार 48,300 रुपए, एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 44,500 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 42,000 रुपए पे कामकाज हुआ। सारे रेट जो हमने बताए बेसिक रेट है, 1000 रुपए 1000 केजी के रेट है, इस पर 18% आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, प्लस आपको लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस, डायर डिफरेंस अगर सरिया खरीद रहे हैं तो डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होगा। तो आप समझ के चलिए ये 1000 केजी का रेट है, ये बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा दे होगा। तो चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के टीएमटी के क्या भाव रहे। तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव 46,500 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 42,700 रुपए, इंदौर का बाजार 47,200 रुपए, रायपुर का बाजार 42,900 रुपए, जयपुर का बाजार 45,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 44,900 रुपए, भावनगर की अगर बात करेंगे तो 47,400 रुपए, गाजियाबाद 46,000 रुपए, जलना का बाजार 48,200 रुपए, पटना टीएमटी 43,700 रुपए पे कामकाज हुआ। तो सभी आपको मार्केट पे बाजारों में सरिया के बाजारों में 200-300 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। विदेशी बाजार चाइना का बाजार बंद है, फिर भी विदेशी बाजारों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान वगैरह में बाजारों में एचआरसी सीआरसी रिवर के भाव में बढ़ोतरी बाजारों में देखी गई है, तो उसका कोई खास असर बाजारों में फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि पाइपलाइन खाली होने की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। आज के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल की बात करें तो आज का सपोर्ट का लेवल 42,000 रुपए, इंगट का रेजिस्टेंस का लेवल 42,800 रुपए, इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 31,800 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक बाजारों में निचले स्तर से कुछ सुधार की संभावना है। इसी तरीके की रोजाना जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।